नमस्कार दोस्तों, आप सभी से स्वागत है। और देख रहे हैं छोटा सा बच्चा है 9 साल का, जिसको सर्पदंश हुआ था, भारत का सबसे जहरीला सांप। और ये सांप बाइट करने के बाद ये लोग को बहुत सबसे बड़ा गलती हुआ, ये लोग को बहुत ज्यादा लेट कर दिए, जिसके कारण जो कोई हॉस्पिटल इसको ले नहीं रहा। बच्चे का हालत बिगड़ चुका है और कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा, और बहुत सारा इसमें पैसा का आवश्यकता है, किडनी, लिवर, उसके साथ साथ प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन, ये धीरे धीरे गिरते जा रहा है और इलाज जरूरत है, पैसा का आवश्यकता है। और आप सभी को दुआ करें। इनके परिवार है, बहुत गरीब परिवार से है, जो कि एक दिन कमाते खाते हैं। हम लोग गरीब हैं और बच्चा मेरे अच्छा हो जाना, बच्चा को बचा लीजिए। मुझे भी रोना आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात यह है कि बच्चा बहुत छोटा है और उसके साथ साथ जो कि इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। आप लोग भी भगवान से दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा बच जाए, मेरे बच्चे खड़ा हो जाए। हम लोग क्या करें, हम लोग के पास कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को इनका अकाउंट नंबर दिया रहेगा कारू कर्म कर के नाम से, और उसमें फोन पे पेटीएम सब रहेगा। जो भी आप लोगों को मदद पड़े, हम नहीं बोल रहे हैं आपको, लेकिन जो भी आपसे मदद करेंगे इस बच्चे के इलाज में, डायलिसिस लगातार चलेगा। तो दोस्तों प्लीज, और किडनी लिवर जो है डैमेज हो चुका है, जिसके कारण जो है लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, और पहले सबसे पहले इस बच्चे को जो हम लोग खड़ा करना है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के इस परिवार को मदद करें। ये लोग जब से इलाज करने के लिए, इन लोग के पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, और सबसे बड़ी बात बच्चा छोटा है, लगातार इसको रात भर बांध के रखना पड़ा है और इलाज चल रहा। प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इनको ड्यूटी पैसा नहीं है, चारों तरफ ये लोग परेशान होकर हताश होकर आए हुए हैं और मेरे पास आके सीधा सीधे पैर पकड़ के बोल रहे हैं हमको बचाना है बच्चे को किसी भी तरह। मैं भी क्या करूँ, जितना हो सका उसके पीछे खर्चा करा, अभी डायलिसिस चलेगा, ब्लड प्लेटलेट। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ मदद करें, आप लोग थोड़ा सा दया करें इस बच्चे के लिए। और मैं कसम खाया हूँ इस बच्चे को स्वस्थ करके इनके परिवार के साथ कि दोबारा ये अच्छी तरह, क्योंकि ज़्यादा छोटा बच्चा है। प्लीज़ दोस्तों मदद करें, और वहाँ पर फोन पे पेटीएम दिया हुआ, जो भी आपसे बन पड़े दीजिए, और इस बच्चे को फिर दोबारा स्वस्थ करके आपके सामने बीच में लेके आऊँगा। दोस्तों जय हिंद।